तो अभी अपने यहाँ पहुँचे हैं जहाँ अपने को सीमन मिलेंगे, सीमन मिलेगा, लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर है, जो भी एक रिलेटेड चीज़ है वो हमारे पास मिलेगी, जो भी कंटेंट है, सीट है, ग्लव्स है, गन्स है उनके लिए, यानी कि एआई से संबंधित जो भी मटेरियल अपने को एक नए छोटे गांव में घूमने वाले डॉक्टरों को चाहिए, डॉक्टर को फार्मर लेवल पे सभी को हमारे पास अवेलेबल है, मिल्किंग मशीन है हमारे पास, ठीक है सर। हाँ ठीक है, हमारे पास सर मेन तो ये कंटेनर है या सीमन है जो एनमस अलग अलग कंपनी का जो बल्ब से बोले इम्पोर्ट होकर आए हुए हैं डेनमार्क से, जर्मन से, उनका सीमन हमारे पास अवेलेबल है। उसके साथ जो एक कंटेनर है जिसमें सीमन स्टोर किया जाता है, ठीक है, इसमें जो लिक्विड नाइट्रोजन डाली जाती है उसमें सारा ठंडा रहता है। इसकी कीमत? इसकी 18,000 रुपये है, छोटे की? इसकी 12,000 रुपये है, इससे छोटे की? वो 10,000 रुपये की। फार्मर को कौन सा लेना चाहिए? फार्मर को ये 10-11 ये लेना चाहिए, क्योंकि इसमें आफ्टर 1 मंथ 6 लीटर गैस डालनी पड़ेगी, ये जो है 6 लीटर गैस से एक साल महीना एक महीना हाँ महीना निकलेगी। क्योंकि इसमें ये है कि इसका जो इसको जो डॉक्टर लेवल पे है उसमें कहीं से लेके जाना, इधर जाना, कहीं उधर जाना, उसके लिए नहीं। अच्छा, इसमें 1 लीटर गैस के कितने रुपये लगेंगे? 50 रुपये लीटर, अलग अलग रेट है, कहीं जो तो सोर्स है जो आपका सोर्स जो डायरेक्ट है तो 50 रुपये लीटर 40 रुपये मिल जाती है आप 40-50 रुपये नॉर्मली मतलब मिल जाती है। हाँ जी, और ये शीत हुआ जिसमें शीत जो गाँव का टीका लगा होता है, जो गर्भदान के लिए टीका होता है, इसमें रख लगाया जाता है, रखे लगाया जाता है। हाँ, और ये ग्लव्स वगैरह डॉक्टर ग्लव यूज़ करने चाहिए, फार्मर को बोला फिर डॉक्टर को बोला ग्लव यूज़ करो, क्योंकि जब ग्लव नहीं यूज़ कर डॉक्टर के हाथ से उसके इन्फेक्शन के इन्फेक्शन जान जाता है। ठीक है, जो यही गन है जिसके साथ ये गन है जिसके साथ वो शरार रखे वो लगाया जाता है। ये कितने रुपए की है? ये अलग अलग 150 से 1500 रुपये तक की, यानी कि एक नया फार्मर अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले तो वो ये ले, 700-800 की बढ़िया आती है, क्योंकि स्टेनलेस स्टील की होती है, जो 150-200 की होती है वो होती है अपने लोहे की, आयरन की, उसमें जंग वगैरह लगने तो उसके कारण फैलने की ज़्यादा प्रॉब्लम। तो एक अगर फार्मर अपना नया बिजनेस स्टार्ट करे या अपने पर्सनल डेयरी फार्म जो डेयरी फार्मर है वो अपने घर में रखना चाहे तो कितने रुपए खर्चे से स्टार्टिंग हो सकती है? उसको 18,000 का कंटेनर है, 700-800 का ये है जो उसका, बाकी सीमन जो उसको सीमन के डिपेंड है सीमन कौन सा लेना चाहिए। सीमन तो वो अपने एरिया के हिसाब से लेगा, वो गुजराती लोग हैं तो वो ज़्यादा गिर गाय की वो गिर गाय का लेगा। नहीं, अब देखो जो प्रोफेशनल लोग हैं वो गिर गाय तो वो अपने घर के लिए तो कम रखते हैं, मेन तो एचएफ वगैरह लोग यूज़ करते हैं, जो जिसने डायरेक्ट बिजनेस करना पैसे के लिए करना, जो एचएफ गाय हमारे पंजाब में 67 लीटर पर डे की एवरेज की आ रही है। एचएफ के दूध में क्या है कि वो क्वालिटी नहीं है जो देसी के दूध में क्वालिटी है? नहीं, क्वालिटी नहीं होती है, जो यूरोप में लोग बाहर पीते हैं वो खुद थोड़ा बढ़िया ही उनकी। हाँ, वो है ना ये चक्कर, जो तो देसी गाय है उसका ये भी उसका मिले फैट का रेट ज़्यादा है, गुण तो है, जो देसी गाय गुण तो जरूर है लेकिन वो प्रोफेशनल काम के लिए यूज़ नहीं होगी। हाँ, वो घर में जो डेयरी फार्मर है वो प्रोफेशनल के लिए डेयरी फार्म करेगा। इनकी सर कोई गारंटी वारंटी? इनके साल की वारंटी है, जो मर्जी लेगा। अच्छा, इनकी एक एक साल की गारंटी? वारंटी लीकेज वगैरह की, जैसे जो क्राई कैन होता है इसको थोड़ा हैंडलिंग के लिए थोड़ा प्रॉपर करना चाहिए, अगर जो से ठोकर वगैरह लगेगी तो टूटने का डर है। बाकी कोई आप किसानों को या डेयरी फार्मर को कोई सुझाव देना चाहें? पहला तो सुझाव यही है, जो भी डेयरी फार्म अपना करना चाहिए अपना कंटेनर जरूर ले, कारण क्या है कि उसमें जो डॉक्टर आते हैं वो अपने 1-2 रुपये जो हल्का छुटका सीम लगा के डेयरी फार्मर को यही फायदा है कि उसमें ये उसको पता है मैं कौन सा टीका लगवा रहा हूँ, नहीं तो डॉक्टर का डिपेंड होना पड़ता है उसको। मेन आई इसको जो डेयरी फार्म करना वो कंटेनर जरूर रखे अपना, उसमें सीमा रखने के लिए अपना पर्सनल सीमा लेके डॉक्टर से लगवाने के बोले लगवा दो। ठीक है सर, और थैंक यू सर, मैं जलंधर से बोल रहा हूँ बलविंदर सिंह, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्द एक मेले का वीडियो आपके लिए लेके आ रहे हैं।